अब फोन भी नहीं उठा रही ये लड़की। ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी अस्पताल जाने की? फिर से कोई इमरजेंसी आ गई होगी आंटी। वैसे अगर वो अपनी सगी बहन का इवेंट अवॉइड कर सकती हैं तो आपको बगैर बता के जाना कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। वो दरअसल वो अपने प्रोफेशन के बारे में शुरू से बहुत टची रही है। जी आंटी, मुझे और मेरी मॉम को इस बात का ठीक तरीके से अंदाजा है। चलो। नहीं नहीं, खाना खा के जाना ना बेटा, मैंने बड़ा इंतजाम किया तुम्हारे लिए खाने का। अरे शिजा, आपने बताया नहीं आंटी, हम डिनर मॉम के साथ ही करते हैं। उसने बताया था मुझे लेकिन मैं ही नहीं मानी। वो दरअसल शादी के बाद से हम लोगों को साथ बैठकर बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा तो मैं रोक लूँगी आज खाने पर। सॉरी आंटी, मैं मॉम के बगैर डिनर नहीं कर सकता। इसी दिन आप आएँ, चक्कर लगाएँ, फिर साथ मिलकर डिनर करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, चलो। खुश रहो बेटा।